वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड्स गोपाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि FX82MS KLC में कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक्चुअली होता है कि FX82MS में इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन नहीं देता है, तो इस केलसी को हम 991 सीरीज केलसी में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद फिर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस केलसी को कन्वर्ट करते हैं 991 सीरीज में। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें मोड प्रेस करने पर इक्वेशन का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं इक्वेशन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे 991 सीरीज में। मोड को एक बार प्रेस करना है, इसको फिर HD यानी कि ट्रू प्रेस करना है, फिर जीरो प्रेस कर देना, इसको तो M+ प्रेस करते रहना है लगभग 1780 टाइम्स। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखाया डाटा फुल, इसके बाद एक बार और प्रेस कर देना है। एडिट ऑफ और ESC दिखाया, तो ESC 2 प्रेस कर देना। 2 प्रेस करने पर ये जो बीच में चार बटन दिख रहा है इसके ऊपर वाला प्रेस कर देना है। फ्रीक्वेंसी यानी कॉर्ड डालना पड़ेगा, तो कॉर्ड इसका 1313 अल्टरनेट डालना है। प्रेस करते रहना दोस्त जब तक कि ये पूरा नहीं ले पा रहे। देखो दोस्तों, जब तक मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये अब नहीं ले रहा है, तो मतलब इसको छोड़ दीजिए। इसका फिर इक्वल प्रेस कर दीजिए, फिर डाटा फुल दिखाया, फिर एक बार प्रेस कर दिए। एडिट ऑफ और AC दिखाया, तो पहले जीरो प्रेस कर दीजिए, इसके बाद फिर 1 प्रेस कीजिए। 1 प्रेस करने के बाद फिर इक्वल प्रेस कर दीजिए, सेंटेंस एरर बताया, फिर एक बार इक्वल, इसके बाद फिर AC प्रेस कर दीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, अब मोड प्रेस करता हूँ। मोड प्रेस करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन का ऑप्शन आ गया, 1 प्रेस कीजिए। आप चाहे इसमें अननोन वाला इक्वेशन सॉल्व कीजिए या फिर डिग्री, अननोन या डिग्री, आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो, और कोई भी प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।